हेलो मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आज के सेशन में आप लोग बता दें कि आज की क्लासेस तो वही क्लास टेंथ के बच्चों के लिए जो कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सेवन का सेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर फाइव तक देखा था और आज हम लोग सिक्स सेवन एट आगे की ओर देखेंगे तो जो बच्चे पहले क्लासेस को नहीं देखे हैं न, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं जा करके डिस्क्रिप्शन से इंट्रोडक्शन वाले वीडियो और वो क्वेश्चन वाले जो भी सेवन का फाइव नंबर तक है उसको देख लेंगे और आगे यहाँ पर

देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को देखिए जैसा हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं बहुत इजी वे में ओके तो जैसा कि देखिए अगर बात किया जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए ओके तो देखिए आपका क्या क्या बिंदु दिया है देखिए तो माइनस देखिए दिया है माइनस वन माइनस टू ओके एक बिंदु दिया आपका एक और जीरो एक बिंदु क्या दिया है माइनस और दो ओके और एक बिंदु क्या दिया है माइनस और जीरो इस तरीके का चार वैल्यू दिया बिंदु का जी चार बिंदु का मान दिया हुआ और कह रहा है चारों बिंदु से अगर हम आकृति बनाएंगे चतुर्भुज तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा यही बताना है क्लियर तो समझिएगा देखिए इधर मान के चलिए कि एक 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 बिंदु 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 ये और एक बिंदु ये 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 है और ओके तो इन चारों को अगर हम मिला देंगे चारों को मिलाएंगे मान के चलिए इसका वैल्यू नाम ए इसका बी सी और डी दे दिए ओके ये मान दिया माइनस एक और दो या लिखेंगे एक और दो क्लियर माइनस एक और माइनस दो क्लियर हुआ बी का मान क्या दिया है? मान के चलेंगे बोल देंगे बी का मान एक और जीरो ओके और देखिए सी का मान क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस एक और दो ओके और डी का मान क्या दिया है माइनस तीन और जीरो लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं अब जरा सा हम चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दूरी सूत्र से निकालेंगे फिर इसके दूरी सूत्र निकालेंगे फिर ये दूरी सूत्र फिर ये दूरी सूत्र आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा आप कैसे बता रहे हैं ये तो आपका देखने से ही आयत लग रहा है अरे भैया हमने आयत आकार का बनाया है लेकिन वास्तव में हमें पता थोड़ी है हमने तो चतुर्भुज बनाया है तो जरा सा चेक करेंगे कि ये कैसा बन रहा है ओके तो जरा सा गौर से देखिएगा बात करेंगे ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए सुनिएगा ए बी के बीच की दूरी सूत्र से निकालेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका एक्स वन ये वाई वन ये एक्स टू ये वाई टू ओके तो फॉर्मूला दूरी सूत्र के लिए क्या होता है हमने बताया ना बताया क्या पिछले वीडियो में बताया ना कि एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर वो भी किस चीज में अंडर रूट में ओके तो एक्स टू का मान क्या है आप वन यहां लिखेंगे वन ओके माइनस के लिए माइनस एक्स वन का मान क्या है माइनस वन यहां लिखेंगे माइनस वन का स्क्वायर क्लियर हुआ अब चलिए प्लस दिया तो प्लस वाई टू का वैल्यू क्या है जीरो माइनस के लिए माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है ऑलरेडी माइनस में है माइनस में टू इसका स्क्वायर करेंगे क्या ये हो गया रूट में

समझ में आए उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे बी और सी के बीच की दूरी क्लियर देखिए तो यहां पर लिखेंगे बीसी बराबर क्लियर हुआ क्या तो बीसी की दूरी निकालेंगे दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा बीसी का जो दूरी निकालना हम लोग को वो देखिए ये इसको इसको वाई थ्री मान लेंगे ओके okay? तो फॉर्मूला क्या है एक्स थ्री माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस में वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर वो भी किस चीज में रूट में क्लियर हुआ एक्स थ्री का मान क्या दिया हुआ है टू टू माइनस एक्स टू का वैल्यू क्या हुआ 1. ये स्क्वायर 1 करेंगे प्लस में वाई थ्री का वैल्यू क्या है क्या है, मानस 1. मानस 1 है और फॉर्मूला है यहां पे में. ओके प्लस में देखिए वाई थ्री का मान क्या हुआ है दो दिया है माइनस में वाई टू का मान क्या है जीरो है इसका स्क्वायर करेंगे क्या वो भी रूट में क्लियर हुआ अब देखिएगा कह रहा क्या देखिये माइनस वन माइनस टू माइनस टू हो जाएगा क्या माइनस वन माइनस वन जूट के माइनस टू हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे दो में से जीरो करेंगे तो दो का ही स्क्वायर आएगा ये रूट स्क्स दो का स्क्वायर करेंगे प्लस में चार आ जाएगा और दो का स्क्वायर करेंगे यहां भी चार तो यहां पे चार चार कितना हो गया आपका ये कितना हो गया आठ रूट में आठ को तोड़ेंगे देखिए वही बात होगी दो रूट में दो क्लियर हुआ क्या समझ में आए तो बीसी का भी मान यहां पे क्या आ गया आपका ये दो और रूट में दो क्लियर हुआ आपका यहां ये देखिएगा ये आपका ए बी का मान दो रूट दो और ये बी सी का भी मान कितना दो रूट दो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे सी डी का मान निकालेंगे किसका निकालेंगे सी डी का तो लिखेंगे सी सी डी डी इसके लिए क्या हम एक्स फोर इसको एक्स इसको y4 लिख सकते हैं कि नहीं देखिए फॉर्मूला में ऐसा नहीं है कि एक्स टू माइनस एक्स वन है ये वाई टू माइनस वाई वन है तो केवल X2, Y2, X2, Y2 ही ऐसा कुछ नहीं है ओके okay, देखिए x3 माइनस x2 भी कर सकते हैं x4 माइनस x3 भी कर सकते हैं x5 माइनस x4 भी कर सकते हैं ओके क्लियर हुआ चलिए तो C D की अगर बात करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या मिला है देखिए x4 का मान यहां पे क्या है लिखेंगे फॉर्मूला में x4 माइनस में x3 का स्क्वायर प्लस में y4 माइनस y3 का स्क्वायर वो भी किस चीज में में रूट क्लियर देखिएगा एक्स फोर यहां पर वैल्यू क्या दिया लिख देंगे के के लिए लिए का 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 मान मान क्या क्या है वन है है पे हो गया स्क्वायर स्क्वायर तो S2. प्लस के लिए प्लस। Y4 का मान क्या तो ये ये देखिए और में, Y3 का मान क्या है? टू है। तो में टू, प्लस में टू, दिया ना। टू का स्क्वायर क्लियर हुआ वो भी रूट में माइनस थ्री के लिए माइनस थ्री और ये माइनस माइनस प्लस आपका वन बन जाएगा यहाँ पर आपका हो गया ये स्क्वायर प्लस में जीरो माइनस टू तो माइनस टू का स्क्वायर करेंगे क्या किसी को डाउट नहीं माइनस वन सॉरी माइनस तीन और प्लस में एक है इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे माइनस प्लस में माइनस का कम होगा मतलब तीन में से एक जाएगा तो क्या माइनस दो बचेगा इसका स्क्वायर ये प्लस में ये भी माइनस दो का स्क्वायर क्या आएगा चार आ जाएगा ओके माइनस दो का स्क्वायर आपका चार और ये प्लस में चार कितना आ गया ये आठ रूट में मतलब दो रूट दो आ गया क्लियर हुआ क्या यहां भी सी डी का मान क्या गया हमारा सी डी का मान आ गया क्या चीज तो दो रूट दो इसका भी मान आ गया दो रूट दो क्लियर हुआ क्या समझ में आए उस तरीके से आप ए डी का निकालिए या डी ए का निकालिए कोई दिक्कत नहीं है ओके देखिए यहां पर निकाल रहे हैं हम यहां पर निकालेंगे किसका देखिए तो डी ए का तो डी एक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे एक्स फोर माइनस एक्स वन कोई दिक्कत नहीं इसको या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये एक्स वन वाई वन यहाँ पे एक्स वन या वाई वन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स टू वाई टू कोई दिक्कत नहीं कुछ भी लिखिए मान ओके तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या एक्स फोर माइनस में एक्स वन का स्क्वायर प्लस में वाई फोर माइनस वाई वन का स्क्वायर वो भी अंडर रूट में एक ही साथ देखिए फॉर्मूला सब में वही फॉर्मूला लागू हो रहा है तो एक्स फोर का यहाँ पे देखिए मान क्या है माइनस तीन है माइनस तीन माइनस एक्स वन का मान क्या है माइनस में वन का स्क्वायर ओके ध्यान से देखिएगा प्लस के लिए प्लस y4 फोर माइनस वाई वन वाई फोर का मान क्या है जीरो जीरो माइनस माइनस टू का, तो, का स्क्वायर क्लियर अब देखिएगा माइनस तीन के लिए माइनस तीन माइनस माइनस प्लस में एक हो गया इसका स्क्वायर प्लस में जीरो के लिए जीरो लिखने की जरूरत नहीं है माइनस माइनस प्लस में दो का स्क्वायर क्लियर माइनस तीन और प्लस में एक है इसके बदले क्या आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर प्लस में टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर करेंगे फोर ये टू का स्क्वायर करेंगे फोर ये क्या गया रूट में एट इसको तोड़ दे दो टू अंडर रूट में टू मतलब क्या है ये भी हमारा टू अंडर रूट में टू है अब जरा तो सब मेरे बातों को ध्यान समझिएगा सबका दूरी निकाल रहे हैं तो टू अंडर रूट टू टू अंडर रूट रूट अंडर उब सबका वैल्यू सेम आ रहा है तो आप बताइए वो चतुर्भुज कौन सा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं सम चतुर्भुज अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये बिंदु से बनेगा चतुर्भुज वो सम चतुर्भुज होगा या फिर कह सकते हैं कि वो क्या होगा वो वर्ग होगा क्या होगा वर्ग होगा समझ पा रहे इस बातों को आप लिख लीजिएगा कि अतः इस बिंदु से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार जो है वो क्या है वर्ग है अब कारण पूछ रहा है कि कारण क्या है तो कारण दीजिएगा क्योंकि चारों भुजाओं के बीच की दूरिया या चारों बिंदुओं के बीच की दूरिया क्या है बराबर है क्लियर हुआ समझ में आया क्या अगर समझ में आया इसको उतारिये जल्दी उतर चलिए इसी प्रकार के इसमें और सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप बना लीजिएगा आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा जस्ट इसी टाइप पर बनेगा ओके okay? चलिए तो क्वेश्चन नंबर को लो लो हम लोग देखेंगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर को क्या कह रहा है आप देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेवन दिखा रहा होगा और क्या कह रहा है कह रहा कि किस अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए अक्ष का बिंदु ज्ञात करना है और वह बिंदु ज्ञात करना है जिससे बिंदु दो और पांच ओके okay? और माइनस दो और नौ दोनों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो बराबर है ओके okay? क्या है

जो यहाँ से मतलब यहाँ से ये भी क्या है सम दुरुस्त मतलब कि ये भी सम दुरुस्त मैंने सम दुरस्त सम मने बराबर दूरस्थ मने दूरी तो ये भी बिंदु उतना ही दूरी पर है और ये भी बिंदु उतना ही दूरी पर है ऐसा एक्स अक्ष पर मान निकालिए एक्स का मान निकालिए जहाँ से बिंदु अगर दो और पाँच को देखा जाए तो भी उतना ही दूरी पर है जितना कि दूरी पर मानस दो और नौ है तो इसका मतलब ये कि हम यहां पर लिख सकते हैं देखिए इसका नाम लिखिए ए और इसका नाम लिखिए बी और इसका नाम सी यहां पर एक्स का मान पूछ रहा है हमसे वाई के लिए कुछ जिक्र नहीं कर रहा है तो हम यहां पर एक्स के लिए क्या रख लेंगे सॉरी वाई के लिए जीरो रखेंगे ओके और कह रहा है समदुरुस्त मतलब ये और ये दोनों क्या है बराबर है क्लियर तो ज़रा सा देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या हम हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी और बराबर में ये क्या बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना कि ए का जो मान है वो बीसी क्या है बराबर है तो जब सा देखिएगा इसमें देखा जाए तो ये एक्स वन का मान क्या होगा ये ये एक्स दो होगा और वाई वन का मान पांच होगा उस तरीके से इसमें एक्स वन का मान मानेंगे किसको किसको हम एक्स को और वाई वन का मान मानेंगे जीरो को इसमें देखा जाए तो एक्स थ्री का मान मानेंगे किस सॉरी ये टू मान लीजिए ना एक्स टू ये वाई टू एक्स थ्री का मान माइनस टू और वाई टू का मान क्या हुआ नौ ओके ये सॉरी एक्स थ्री का और ये वाई थ्री का Clear? तो यहां पर देखिएगा ए सी का दूरी निकलेगा इसका दूरी निकलेगा क्योंकि दूरी को तो बराबर कर रहा है हमने यहाँ पे लिख दिया बराबर में तो लिखेंगे देखिए दिखे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर वो भी अंडर रूट में क्लियर बराबर में इसके लिखेंगे तो एक्स थ्री माइनस में ये एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस में, प्लस में वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर क्लियर हुआ रूट में क्लियर हो गया अब चलिए मान रखना शुरू करें x2 टू क्या तो x2 का मान क्या है जी x माइनस में x1 का मान क्या है दो का स्क्वायर प्लस में y2 का मान क्या है जीरो माइनस y1 का क्या है पाँच का स्क्वायर बराबर x3 का मान क्या है माइनस टू माइनस एक्स टू का मान क्या है अबे? x का स्क्वायर प्लस के लिए प्लस ये x3 है ना x3 का मान क्या है नौ माइनस वाई टू का मन सॉरी वाई थ्री ना जी वाई थ्री माइनस वाई टू तो वाई थ्री का मान क्या है नौ हमने लिख दिया नौ वाई टू यहाँ पे वाई टू का मान क्या है जीरो इसका स्क्वायर वो भी रूट में अब मेरे को एक बात बताइए रूट में जो चीज़ें उधर होती है और सॉरी रूट में बराबर के जो चीज़ें उधर होती है और वही वो, वो भी इधर भी होती है तो क्या दोनों कटा सकते हैं कि नहीं कट कर सकते हैं तो यहाँ से आप हम देखिए रूट को कटा सकते हैं रूट दोनों कट गया क्या कट गया रूट अब सा आगे देखिएगा तो यहाँ पे बच गया क्या x माइनस टू का स्क्वायर प्लस में माइनस पाँच का स्क्वायर बराबर में माइनस दो और माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे ओके अब चलिए बरा प्लस के लिए प्लस नौ में से जीरो कटेंगे नौ ही आएगा तो नौ का स्क्वायर कर सकते हैं क्या डाउट है किसी को दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं अब देखिए यहाँ पर ए माइनस के होल स्क्वायर पर टूटेगा क्या और यहाँ पर देखिए यहाँ भी वही बातें होंगी होंगी ना तो जैसा देखिएगा यहाँ पर ए माइनस के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अमानस में टू ए का मान क्या है एक्स और बी का मान क्या है देखिए दो क्लियर अब प्लस के लिए प्लस माइनस पाँच का स्क्वायर करेंगे पच्चीस ओके बराबर के लिए बराबर यहाँ भी वही काम ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस देखिए यहाँ पे क्या है माइनस दो का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर है ना तो प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में टू ए का मान क्या है माइनस टू और बी का मान क्या है एक्स टू नाइन का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आएगा? नाइन का स्क्वायर करेंगे प्लस में है ना नाइन का स्क्वायर एक क्या आएगा ओके जैसा ध्यान देखिएगा तो एक्स के स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस में दो का स्क्वायर चार माइनस दो दुनिया के चार गुण एक्स चार एक्स हो जाएगा और प्लस में यह हो गया क्या पच्चीस बराबर यहाँ भी दो का स्क्वायर क्या आएगा चार क्लियर ये प्लस में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस दो दूनी के चार गुण एक्स क्या आएगा चार एक्स प्लस में हो गया इक्यासी ओके आगे चलेगा नेक्स्ट चले क्लियर देखिए एक स्क्वायर इधर एक् स्क्वायर इधर क्या कट जाएगा दोनों कट जाएगा चार भी इधर है चार भी इधर है याद रहे कट गया लेकिन हाँ याद रहे अगर इधर माइनस में होगा इधर प्लस में होगा तो नहीं कटेगा कटेगा कब जब दोनों इधर इधर माइनस में हो या दोनों प्लस में हो क्लियर आगे चलेगा आगे चलते हम

एक इसको हासिल लगा ग्यारह में से पांच जाएगा कितना होगा ये कितना बच छत सात में से दो गया कितना होगा ये पांच। ओके अब बराबर क्लियर चलिए इधर इधर x के साथ जो माइनस आठ है वो गुना में है उधर जाएगा तो भागा में मतलब x का मान हो जाएगा मा... देखिए छप्पन बटा में माइनस आठ छप्पन आठ सात छप्पन x का मान यह हो जाएगा माइनस में सात आपका आंसर मतलब x अक्ष पर बिंदु माइनस सात के पास होगी जो क्या होगा रखने पर ये बिंदु यहाँ से और ये बिंदु यहाँ से दोनों क्या होगा इक्वल होगा ओके क्लियर हुआ तो सात नंबर आज देख लिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर सब अयर सत श्रीकाल जय हिंद जय जै भारत